आज भारत के कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा कि अगर तुम फेल हो जाते हो, 100 बार फेल हो जाते हो, उसके बावजूद भी तुम बोलोगे नहीं मैं करूंगा। क्या लगता है? अंबानी, रतन टाटा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये कभी फेल नहीं हुए? अमिताभ बच्चन कभी फेल नहीं हुए? कि जीवन में भी फेलियर्स आए हैं, लेकिन उस फेलियर से कभी ये टूटे नहीं। और आज आप लोगों को कुछ इन्हीं के बारे में डार्क सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन, जो कि एक टाइम ऐसा था आसमान से एकदम ज़मीन पर आ चुके थे और उनका दिवालिया तक हो गया था, उसने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उसके करियर दोबारा सफलता मिली और उसके बाद टीवी चैनल में प्रसारित होने वाले KBC और आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बूढ़े होने के बावजूद भी शिखर पर बने हुए। ये वो लोग होते हैं जो कभी ट्राई करना नहीं छोड़ते। रिलायंस का नाम आजकल कौन नहीं जानता, जो कि धीरू भाई अम्बानी। भारत भर में रिलायंस का बिजनेस फैला हुआ है। जिस बंदे ने 16 साल की उम्र में एक क्लर्क की नौकरी की हो और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन भारत का बन चुका, क्या है? सिर्फ ट्राई किया उसने, सिर्फ कुछ नया करने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश की उसने। जब इन्होंने पहली कंपनी अपनी बनाई थी तो अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू करी थी, पर किसी कारणवश दोस्त इनके अलग हो गए और इन्होंने फिर अपनी एक अलग कंपनी बना दी। सुनते हो, रतन टाटा 1991 में टाटा का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनते ही उनकी दो कंपनियों का दिवालिया हो गया कुछ दिन बाद ही। रिटायरमेंट की उम्र 70 से 65 करने के बाद रतन टाटा से कर्मचारी भी नाराज हो गए थे। सारी विरोधों के बावजूद उन्होंने टाटा नैनो जैसी सस्ती कार बनाई। आज टाटा दुनिया भर में अपनी पहचान एक सफल चेयरमैन के रूप में बनाई। यही दिवालिया होने के बाद अगर ये ट्राई नहीं करते और बंद कर देते तो क्या आज इनका नाम लेते? क्या आज स्टोरी में आते? नहीं आते। वो कहते हैं ना, जितना अनसक्सेसफुल स्टोरी से सीखने से मिल जाता है, उतनी सक्सेसफुल स्टोरी से सीखने को नहीं मिलता। और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता? यूपी के साधारण परिवार से निकला हुआ ये बंदा और केमिकल कंपनी में काम करा पहले, और उसके बाद कुछ अच्छा करने की तलाश में वो दिल्ली आ गया। इसके बाद उसने सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन कर ली है, हम सबको पता है, शायद इसकी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी। और उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला था और फिर वही कुछ सपने लेके मुंबई चले गए और वहाँ पे उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिला था, एक छोटे छोटे रोल किया करते थे। एक्टिंग वर्कशॉप करके उन्होंने कुछ पैसे कमाए और उनके संघर्ष का ही हिस्सा था वो। पर पहली बार पीपली लाइव फिल्म में लोगों ने पहचाना और आज उनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। तो क्या लगता है दोस्तों, फेलियर्स के बाद करना नहीं चाहिए? नहीं, ट्राई करना चाहिए। 100 बार फेल हो, 200 बार, 300 बार, लेकिन उसे ट्राई करना चाहिए। अगर आइंस्टीन अगर जब 9999 बार फेल होके भी वो हार नहीं मान सकता, वो लगभग 10,000 बार ट्राई कर सकता है, तो हम 4 बार क्यों नहीं? तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करके जाना। ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स।